एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपको नोटिस कर रहा है। ठीक है, कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपको नोटिस कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जन्म मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपको नोटिस कर रहा है? गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। ठीक है, जल्दी से मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइज कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो कौन हर वक्त आपको नोटिस कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है? सबसे पहले तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है, किसी और के पास, ठीक है, किसी और वजह से। बेसिकली मैं कहूँ तो आपके एक्स की वाइब्स आ रही हैं, जो आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है, वो आपको नोटिस कर रहे हैं हर वक्त। हर वक्त वो आप पे नज़र रख रहे हैं और वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं से वो पता करने का ट्राई भी कर रहे हैं, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो, ठीक है, या थे तो, ठीक है, उनसे पता करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू वो आप पे नज़र रखने का ट्राई कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे हैं या मैसेज वगैरह कर रहे हैं या करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वो ये सब चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और कोई एक्स भी हो सकता है ये आपका, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह लगा रहा हो, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो आपके साथ 10 of cup की हैप्पी फैमिली चाहता है, उसका 1 cup अधूरा रह गया है जो आपके आने से पूरा होगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है जो ये कप रखा है ना वो अपनी लाइफ में लाने का। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपसे जेलिस हैं, जो आपकी लाइफ में वापस तूफान मचाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, या ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि इसे अपनी हैप्पी फैमिली आपसे ही दिख रही है और ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसके पास सब कुछ है, बस कुछ नहीं है तो वो हैं आप। ठीक है, आपके बिगैर ये खुद को अधूरा फील कर रहा है। 10 of cup की जो हैप्पी फैमिली पूरी हो सकती है वो इस वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, और ये पर्सन बहुत इमोशनल होगा। साथ ही मैं कहूँ ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो वाटर रिलेटेड किसी वर्क में हो। ठीक है, किसी वाटर रिलेटेड वर्क में हो, इसका जोडियक साइन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन दिखने में मैं कहूँ तो थोड़ा हेल्दी सा होगा, नॉर्मल हाइटेड होगा। ठीक है, और इसे कैप लगाना बहुत पसंद होगा। ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा चब्बी सा, मतलब इसका फेस होगा बहुत गोरा सा, क्यूट सा होगा ये पर्सन। ठीक है, जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया, अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं और चीज़ें। साथ ही मैं कहूँ ये पर्सन जो है लॉ स्टूडेंट हो सकता है, आप भी लॉ स्टूडेंट हो सकते हो, आपके साथ ही ये काम करता हो, किसी लीगल मैटर्स वगैरह में ही काम करता हो, ऐसा हो सकता है। एडवाइज़र हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है जो आपके आसपास रहता हो।
या आपके साथ ऑफिस में हो, ठीक है, हाईली पोस्ट पे भी हो सकता है ये पर्सन, और इसके पास कोई कैट हो ऐसा हो सकता है, कोई पेट हो ऐसा हो सकता है, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्ली है इनके पास, ठीक है, या पहले थी ऐसा मुझे दिख रहा है। और बहुत जस्टिस लवर होगा ये पर्सन, ठीक है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है रेड कलर से बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक होगा ये पर्सन। साथ ही मैं कहूँ लॉ स्टूडेंट तो दिख ही रहा है, या मैं कहूँ इसे लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। और ये पर्सन जो है मैं कहूँ तो ऐसा होगा, ये खुद के साथ भी गलत नहीं करता होगा और दूसरों के साथ भी गलत नहीं करने देता होगा। मतलब ऐसा होगा ये पर्सन कि भाई मैं खुद के साथ गलत नहीं होने देता, तो मैं दूसरों के साथ गलत करता भी नहीं हूँ, ठीक है, औरों के साथ भी ये गलत नहीं होने देता। और जस्टिस लवर ये बहुत होगा, ये इसकी एनर्जी ना बहुत बैलेंस होगी, ना ज़्यादा ओवर खुश होना, ना ज़्यादा ओवर उदास होना, ना ज़्यादा मैं कहूँ एक्साइटेड होना, ना ज़्यादा नॉर्मल सा रहना, मतलब बैलेंस है इसकी एनर्जी बेसिकली मैं कहूँ तो, ठीक है। हाईली पोस्ट पे हो ऐसा हो सकता है आपसे मेच्योर होगा ये पर्सन, ठीक है, और किसी वर्क रिलेटेड ही आप मिले हो ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपके साथ ये ऑफिस में हो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और भी हम कुछ देखेंगे आगे, ठीक है, अभी जो दिख रहा है वो ही बता रही हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इतना पक्का है। ये आपके एक्स की भी वाइब्स हो सकती है जो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। साथ ही मैं कहूँ ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। और मैं कहूँ तो ये आपके साथ ऑफिस में होगा, ठीक है। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि इस पर्सन को रेड बहुत पसंद होगा कलर, या येलो कलर उसको बहुत पसंद होगा। और साथ ही इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रेट सीधा होगा, मतलब इसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम सीधा होगा, ठीक है, बहुत फिट एंड फाइन होगा। इसलिए कह रही हूँ दो जनों की वाइब्स आ रही है मुझे, एक जो न्यू पर्सन है, ठीक है, जो काफ़ी सीधा सा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत फिट एंड फाइन सा है, ठीक है, और मैं कहूँ तो बहुत बोल्ड है, ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत बोल्ड है, और मैं कहूँ बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा, ठीक है। और इसके फेस पे ही ना तेज होगा, सन की तरह चमकता होगा ये पर्सन, ठीक है। और एक पर्सन ऐसा है जो मैं कहूँ चब्बी सा है, हेल्दी सा है, और क्यूट सा है, गोरा चिट्टा सा है, ठीक है, और नॉर्मल हाइटेड पर्सन है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। साथ ही मैं कहूँ एक है जो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, एक है जो न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँ लविंग होगा, केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, इमोशनल पर्सन, जो मैंने आपको पहले भी बोला था इमोशनल पर्सन होगा। आपको अपना कप देना चाहता है, 10 of cup की हैप्पी फैमिली चाहता है, अगेन वाटर साइन आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पार्टी लवर होगा और इसे ड्रिंक करने का शौक हो ऐसा हो सकता है, फिर चाहे लड़की हो या लड़का हो, फूडी होगा ये पर्सन। इसे मैं कहूँ इसके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके और इसके, ठीक है। और अगेन रेड कलर आया है, इसको रेड कलर बहुत पसंद होगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फूडी होगा, पार्टी लवर होगा ये पर्सन, इसको डांस करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कौन है जो हर वक्त आपकी नज़र रख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। देखो एक्स की वाइफ्स जो हैं कुछ लोगों के लिए आ रही है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो एंट्री लेना चाहता है। ऑफिस रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये आपके आसपास का ही है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, ठीक है, या मैं कहूँ या तो आपकी किसी फ्रेंड का फ्रेंड है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या मैं कहूँ ये जो पर्सन है ऑफिस में हो सकता है आपके, ठीक है, या किसी लीगल मैटर की वजह से आप मिले हो इस पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लॉ स्टूडेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या वाटर रिलेटेड कुछ वर्क करता हो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये एनिमल लवर ज़रूर होगा, ठीक है, इसके पास कोई पेट हो ऐसा भी हो सकता है। ईट ऑफ वॉन्ट्स आया है, जो मैंने बोला था आपको कि सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखता होगा, किसी अननोन नंबर से या तो आपको कॉल करने का ट्राई करेगा, ठीक है, या किया होगा इसने पास्ट में। साथ ही मैं कहूँ तो
किसी अननोन आईडी से, मैं कहूँ नए नाम की कोई आईडी बनाई हो उससे रिक्वेस्ट वगैरह भेजे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्स की वाइब्स ही आ रही हैं, ठीक है, ताकि आप एक्सेप्ट कर लो एंड ये देख सके कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने प्राइवेसी लगा रखी हो अपनी आईडी पे, ठीक है, आजकल हर कोई लगाता है। मैंने कहा था ना इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा। ऐसा हो सकता है कि रिसेंट में इसे कोई ट्रॉफी वगैरह मिली हो, किसी चीज़ में इसने जीत हासिल की हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अच्छा एडवाइज़र होगा ये, अच्छा एडवाइज़र होगा ये, ठीक है। और अगेन जो मैंने कहा था इसके फ्रेंड्स बहुत होंगे, जस्टिस लवर, अगेन जस्टिस आ गया है, जस्टिस लवर होगा ये, इसकी एनर्जी बहुत बैलेंस होगी। डेथ आया है बॉटम ऑफ डेक, जो मैं कह रही थी आप लोगों से कि इसके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका एक्स हो, क्योंकि मुझे एक्स की वाइब्स यहाँ आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि पास में इसके साथ आपने रिलेशनशिप ख़त्म किया हो। ये आज भी आपको नोटिस कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, बहुत बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस रखना इसको बहुत पसंद है, क्योंकि जस्टिस दो दो बार आया है, ठीक है। और इसके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स का चहेता होगा, ठीक है, और इंटेलिजेंट तो है ही है ये, ठीक है। और वेट करो, ठीक है, वेट करो, अगर ये न्यू पर्सन है चाहे एक्स पर्सन है, बट कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, अगर अभी तक नहीं आई है तो आ जाएगी, कोई नई आईडी से ये पर्सन आपको मैसेज वगैरह कर सकता है, ठीक है। और मैं कहूँ तो ये पर्सन आपको कॉल वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसके पर्सन की बर्थ डेट की बात करूँ तो 8/17/26 हो सकती है, 1/10/28 हो सकती है, ठीक है, और 11, ठीक है, ऐसा हो सकता है एंजल नंबर 11/11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और 9/18/27 हो सकती है इसकी बर्थ डेट, और यहाँ पे 6/15/24 हो सकती है, 8/17/26 जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, 6 भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। या गाइस मुझे यही बर्थ डेट दिख रही हैं, बर्थ मंथ की बात करूँ तो जनवरी फरवरी, और यहाँ पे मुझे मार्च दिखा था, ठीक है, और यहाँ पे अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, ठीक है, और जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है, ठीक है, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जोडियक साइन की बात करूँ तो फायर साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन यहाँ नहीं आया है, ठीक है। अगर मैं मैजिशियन में देखूँ तो अर्थ साइन भी आया है, तो जोडियक साइन यहाँ पे सारे ही मौजूद हैं, ठीक है, तो जोडियक साइन इनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर दिखने की बात कहें तो ये पर्सन हेयर कलर करा रखा हो, ऐसा हो सकता है, इस पर्सन ने हेयर कलर करा रखा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और इसके शॉर्ट हेयर होंगे, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लॉन्ग हेयर नहीं दिख रहे हैं मुझे। साथ ही मैं कहूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही घूमने फिरने वाला एडवेंचर लवर हो सकता है, ठीक है, ट्रैकिंग इसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। साथ ही मैं कहूँ तो वाटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये वाटर रिलेटेड ही कुछ वर्क करता हो, इमोशनल पर्सन ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वाटर रिलेटेड वर्क मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही मैं कहूँ तो इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो अगर इसे मिलने आना भी है तो ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपकी दूरी है, स्टेट सिटी कुछ ऐसा है कि बहुत दूरी है, ठीक है, तो अगर इसे मिलने भी आना है तो ट्रैवलिंग करके आना पड़ेगा आपसे, ठीक है, जस्टिस करना चाहता है, ठीक है, जस्टिस लवर है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। अगर ये एक्स भी है तो आपके साथ जो भी गलतियाँ की थी इसने, ठीक है, आपका दिल दुखाया था या कुछ भी है, तो उस चीज़ को लेके भी शायद ये आपसे माफ़ी वगैरह मांगना चाहता हो, ऐसा हो सकता है। या गाइस मुझे यही दिख रहा है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो आपको, रेजोनेट की हो आपसे, ठीक है, की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।